लेकिन ये अंदाजा जरूर है कि आज जो आलू के भाव हैं कल की अपेक्षा से आज आलू में उछाल देखने को मिल सकता। नमस्कार, गुड गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे हो। आज दिनांक 2 जनवरी है और आज अभी फ़िलहाल में 10 बजने वाला है और आज छिबराऊ मंडी में अभी 10 बजे तक समथिंग 4 से लेकर 5 ट्रालियाँ ही आ पाई हैं। आज ऐसा लगता है कि आमदनी बिल्कुल नहीं होने वाली, मतलब बहुत ही कम होगी आमदनी। और अभी यहाँ पे कोई भी आलू की बिक्री नहीं हुई है, जैसे ही आलू की बिक्री होती है वैसे ही हम आप लोगों को दिखाते हैं। तब तक हम लोग जान लेते हैं फर्रुखाबाद मंडी के आलू का भाव। आज फर्रुखाबाद की मंडी में जो आमदनी है वो समथिंग 15 से लेकर 20 मोटर की आमदनी का अंदाज़ा लगाया गया है और जो भाव हैं वो आपके 600 से लेकर 750 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से आलू बिक रहे हैं फर्रुखाबाद की मंडी में। अगर अच्छा है तो 750 के ऊपर भी इक्का दुक्का बिका हुआ है आज फर्रुखाबाद की मंडी में। अदरवाइज जैसा कि आप लोगों को तो पता ही है कि संडे को कानपुर की मंडी बंद रहती है, तो चलिए तब तक हम आप लोगों को इस मंडी का नज़ारा बिल्कुल लाइव दिखाते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इसी प्रकार से आलू की रोज़ाना की अपडेट लाते रहते हैं। तो चलिए मेरे साथ घूमते हैं मंडी को और जानते हैं आलू के भाव क्या रहे। और साथियों, जैसे ही आलू के भाव खुलते हैं हम आप लोगों को दूसरी वीडियो में ज़रूर बताएंगे। तो अब चलिए आप लोगों को हम अभी फ़िलहाल में मंडी का नज़ारा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी सुबह का समथिंग 10 बजने वाला है और आप लोग मंडी में देख पा रहे हो इस प्रकार से सन्नाटा है, जैसे मालूम पड़ रहा हो कि होली का भोर आज हो गया हो। ऐसा दृश्य जो है लमसम मिलता है और मंडी में बिल्कुल आप लोगों को आमदनी नहीं दिखाई दे रही होगी। हर दुकान पे इस प्रकार से सन्नाटा सा छाया है, मालूम पड़ रहा है कि भाई बिल्कुल आलू आते ही नहीं है, मतलब आलू की मंडी नहीं है। दो ट्रॉली इधर खड़ी हैं, आप लोगों के सामने दिखाई दे रही होंगे अभी। और क्या है कि अभी फ़िलहाल में जहाँ तक हमारा अंदाज़ा है कि आमदनी अभी बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज इतनी बढ़ जाए जितनी की बढ़नी चाहिए, उतनी नहीं बढ़ेगी। और अभी आप लोग पूरी मंडी का दृश्य देख पा रहे हो, अभी मंडी खाली खाली है और जहाँ तक हमारी उम्मीद है आज आलू जो है लगभग 400 के आसपास बिकेंगे और हो सकता उससे आगे भी बिके, क्योंकि मंडी में इस प्रकार से सन्नाटा देख के ऐसा लगता है कि आज आलू 400 से लेकर 420-430 रुपये प्रति कट्टा के हिसाब से बिकने की संभावना है। हो सकता है 450 भी बिक जाए। ऐसा नहीं है कि आज मतलब आमदनी ना हो, आमदनी होगी। और अभी फ़िलहाल में आप लोगों को हम दिखा भी देंगे दूसरी वीडियो में कि मतलब मंडी में जो आमदनी है कितनी बड़ी है और क्या भाव रहे हैं आज छिबरामऊ की मंडी में। इस गली में भी चल के देख लेते हैं थोड़ा, इसमें कितना क्या माल आया है। भाई इस गली में भी कुछ नहीं है, देखो बिल्कुल खाली खाली सी पड़ी है। तो क्या है, चलो अब किसी आड़ती भाई से ही जान लेते हैं कि आलू का जो भाव है भाई क्या रह सकता है और कितनी क्या आमदनी आई है। तो सबसे पहले भैया राजू ठाकुर जी के यहाँ माल आता है, तो चल रहे हैं उनकी दुकान पे और बातचीत करते हैं उनसे। तो चलो बात करते हैं। तो अभी फ़िलहाल में हम मंडी में घूमने के बाद में आ चुके हैं, केवल जो राजू ठाकुर जी हैं उनकी दुकान पे ही आज 2 ट्रालियाँ दिख रही हैं। बाबा की काश्तकार भी है और इधर संभावना है कि इनकी दुकान पे ही आलू की बिक्री होने वाली है कुछ ही देर में। तो हमारे साथ में राजू ठाकुर जी हैं। भैया आज कैसा माहौल लग रहा है मंडी में? आज क्या रेट रह सकते हैं? 400 के आसपास रहेगा। हमें लग रहा कि अगर आमदनी ऐसी ही बनी रही तो और भी ऊपर हो सकता है 400 के बाद भी। ऊपर नहीं होगी, बाहर डिमांड नहीं है ना। बाहर डिमांड नहीं है। अच्छा, ऐसा तो नहीं संडे की वजह से कुछ? लेकिन अपने यहाँ तो संडे को भी चलती है मंडी और भीड़ भाड़ भी होती है। और कोई आलू बैलेंस में नहीं मंडी में? मंडी में कोई बैलेंस नहीं। अच्छा, क्या भाव रह सकते हैं 400 के आसपास? कल क्या क्या भाव बिके थे? 350 से लेकर 400 रुपए तक बेचे थे कल भी। तो फिर आज क्या, आज तो भाई रेट रह जाएगा, फिर क्या पोजीशन चेंज होगी? बढ़िया 10-5 रुपये हो, 10-5 रुपये और बढ़ सकती है ना भाई। तो हम कहना चाह रहे हैं